खास तौर से जहाँ पे मर्द हो। ये उनकी बेटी की शादी का फंक्शन था। शादी नहीं, वलीमा। वलीमा ही सही, लेकिन कम से कम उन्हें आना तो चाहिए था। खैर छोड़ो, हम सुबह उनसे मिलने जरूर चलेंगे। क्यों? तुम्हारी मामा है वो, शादी के बाद तुमसे मिलना चाहती होंगी। कुछ दिन बाद चलेंगे। गॉड सेक मरियम, माँ है वो तुम्हारी। तो मैं कब कुछ कह रही हूँ? सिर्फ यही कह रही हूँ कि कुछ दिन बाद चलेंगे। तुम्हारा स्टूडियो? तुम्हारा। मेरा? मेरी तरफ से हमारी शादी पर तुम्हें तोहफा। थैंक यू। इससे अच्छा तोहफा तो कोई और मुझे दे ही नहीं सकता था। जानता हूं। मैं कल से कॉलेज ज्वाइन कर रही हूँ। मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। वो लोग मुझे लेक्चरशिप की ऑफर कर रहे हैं। दैट्स गुड, अच्छा ऑफर है, तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में। मगर मैं कुछ और करना चाह रही थी। कुछ और क्या? बिजनेस। बिजनेस? ज्वेलरी डिजाइन करने का सोच रही थी। नॉट बैड। मैं कुछ कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ उस बारे में? जेसी की जरूरत है। क्या हो गया तुम्हें? चलते हैं। अरे मामा जान, तकलीफ किया। मामा जान, चाय लाने की क्या जरूरत थी? तुम लोगों को मैं चाय के बगैर कैसे जाने दे सकती? अब हमने जैन के दोस्त के साथ आज बाहर डिनर पे जाना है। मरियम कोई बात नहीं, अगर मामा जान चाय ले आई हैं तो पी लेते हैं। वैसे भी मामा जान चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। तो यह गर्मी बहुत हो रही है। मामा जान, जैन का ख्याल है कि आप वलीमे वाले दिन इसलिए नहीं आई कि आप जैन की फैमिली का अवॉइड कर रही थी। अरे नहीं नहीं मामा जान, एक्चुअली वो मुझे आपकी कमी बहुत महसूस हो रही थी, और कोई बात नहीं। मरियम जानती है कि मैं ज्यादा फंक्शंस पे नहीं जाती, वरना मैं भला तुम्हारे पेरेंट्स को क्यों अवॉइड करूंगी? मिली थी ना मैं उस दिन निकाह के रोज। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम खामखे हो बस। मरियम बेटा, अब तुम मेरे पास कब आके रहोगी? अभी तो मुश्किल है। अब मुझे कोई एतराज नहीं मरियम। अभी तो नहीं, कुछ दिन बाद देखूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो ना जैन, देर हो रही है, मुझे घर जाके तैयार भी होना है। चलते हैं मामा जान, चलो। चाय आप पे ड्यू रहेगी। ओके मामा जान, अल्लाह हाफिज़। तुम्हें पता है ये वो जगह है जहाँ मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी? अच्छा, मैं तो समझती थी तुमने मुझे इत्तेफाकन यहाँ देख लिया। अरे नहीं, मैं यहाँ रोज सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं समझती थी कि तुम सब यहाँ चाय पीने आते हो। तुम्हें पता है प्रोफेसर अब्बास ने तुम्हें यहाँ किसके कहने पर भेजा था? मेरे ख्याल में तुम्हारे। तुम्हें पता था? नहीं, हमारी बातों से अंदाजा हो रहा है। और मैंने यहाँ तुम्हारे लिए बैठ कर जितनी चाय पी है जिंदगी में कभी नहीं पी। तो हम अभी भी सिर्फ यहाँ चाय पियेंगे? अरे नहीं नहीं, खाना खाएंगे।
मरियम 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 उबैद जी सर मेल साहब कहाँ है सर वो तो किसी पार्टी में गई है कह रहे थे देर से आऊँगी रात को अच्छा अच्छा गाड़ी से ब्रीफ केस निकाल दिया ठीक है सर हाँ भाई हाँ जैन तुम घर आ गए मैं घर पे आ गया तुम अभी तक घर वापस नहीं आए हाँ अभी तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी पार्टी इतनी देर तक चलेगी और तुम्हें पता है सब इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे काम को तुमने खाना खा लिया नहीं मैं अभी खा लूँगा तो तुम यहाँ आ नहीं सकते नहीं मरियम मैं ज़रा थक गया हूँ मैं आराम करूँ यू जस्ट एंजॉय योरसेल्फ बी योरसेल्फ चलो ठीक है ओके बाय